नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम जो है शिवहर जिला में पहुंच चुके हैं। शिवहर जिला है और शिवहर ही जो है यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है। अभी हमारे साथ यहाँ राधाकांत गुप्ता जी मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, और जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जो स्थानीय राजनीति है उन पर उनसे बातचीत करेंगे। उनके बाद जो यहाँ का किस तरह से जो है यहाँ का वोट बैंक जो है किस तरह से किस जातिगत जो स्थिति है इसमें कैसे बटा हुआ है इस पर हम बातचीत करेंगे। और इनका क्या वोट बैंक है, क्या समाज है, किन मुद्दों को लेकर के ये यहाँ की राजनीति में आ रहे हैं, यानी कि शिवहर विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी ठोकने के लिए तैयार हैं, हम इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आप सीधे तौर पर हमें सबसे पहले बताइए, शिवहर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ तो एकदम बाहुबलियों का रहा है हमेशा से, और बिहार विधानसभा चुनाव फिर से इस बार आने वाला है, तो ऐसे में आपकी क्या क्या तैयारी है? मेरी तैयारी है कि हम विधानसभा के प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी? हाँ, और यहाँ से हम विधानसभा की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं जी। और अभी भी जो कोरोना काल हुआ है उस कोरोना काल में हमने पूरे क्षेत्र में पूरे ज़िला में जाके सबको सैनिटाइजर, मास्क, और जो मजदूर क्लास के लोग थे उनको हमने सभी को राशन पानी पहुंचाया। यह इस कार्य से इस क्षेत्र में लोगों को मेरी प्रति बहुत बड़ा भाव आ गया है कि नहीं, आप आइए और आप ही इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। लोगों की जनता ही कर रही है जी। सबसे पहले जैसे राजनीति में आना चाहते हैं, आप राजनीति में इस बार प्रत्याशी होना चाह रहे हैं, बिहार की राजनीति है ये आपको भूलना नहीं पड़ेगा। बिहार की राजनीति जो है जातीय राजनीति बहुत ज़्यादा रही है, दलीय राजनीति रही है, तो आप किस जाति से आते हैं सर सीधे तौर पे? सब हम कमलापुरी वैश्य जाति से आते हैं। क्या वोट परसेंटेज क्या है सर इसका? वोट परसेंटेज अभी विधानसभा में हम लोग 60,000 के आसपास हैं जी। अब पूरे विधानसभा में वोटर कितने? पूरे यही ना, शिवहर विधानसभा एक ही विधानसभा है जी, उसमें टोटल कितने वोटर? 60,000 के आसपास है। आपके जो जाति? मैंने कमलापुरी वैश्य जाति के। तो एक तो ये बड़ा वोट फैक्टर हो सकता है यहाँ के MLA को बनाने में जी। तो ऐसे में क्या लगता है, जैसे आपका जो समाज है कि उसको राजनीति भागीदारी तो बहुत कम दिख रही है बिहार की राजनीति में कहीं भागीदारी है ही नहीं है हम लोग का जी, अभी तक किसी का नहीं है। और इसीलिए हम लोग आज शपथ लिए हैं सभी आदमी जो, आज पूरे जिला से हम एक बैठक कराए हैं, प्रादेशिक बैठक जी, जिसमें हर जिले से सभी के जिलाध्यक्ष जनप्रतिनिधि आए हुए हैं और उन्होंने शपथ लिया है कि जो भी पार्टी हम लोग को सम्मान करेगी, हम लोग कमलापुरी वैश्य समाज उसी को सम्मान करेगी पूरे बिहार में। पूरे बिहार राजनीतिक भागीदारी से इतना, जैसे आज़ादी का इतना दशक बीत गया, राजनीति बिहार की राजनीति फल फूल गई और बहुत ऊँचे आगे तक चली आई है, ऐसे में अब तक जो है आपका जो समाज है इस राजनीतिक भागीदारी से वंचित क्यों रहा है सर? वंचित इसलिए है कि अभी तक सक्रिय रूप से हम लोग पूर्ण रूप से नहीं आए। अगर सक्रिय रूप से आए भी तो हम लोग को उपेक्षित कर दिया गया। लेकिन मैं इस बार प्रण कर लिया हूँ कि अब जो भी हो हम इस बार आगे आएंगे और जैसी भी हो हम पार्टी को मजबूर करेंगे कि हमको टिकट दे और हम यहाँ से भारी बहुमत से जीत के जाए, यानी कि अपने समाज के राजनीतिक भागीदार के लिए। लेकिन ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि आपका जो समाज है, आपका जो वर्ग है, वो अधिकतर जो है जो दुकानदारी वाले काम में, इस तरह के कामों में, खरीद फरोख्त वाले काम में लगे रहते हैं अक्सर, तो ऐसे में राजनीतिक परिकल्पना जो बात कर रहे तो वो तो थोड़ा सा लिंक से हट के हो गया। हाँ, ये तो बात सही है आपका कि राजनीति से थोड़ा मेरा कमलापुरी वैश्य थोड़ा हट के है जी। लेकिन हम अब समाज में थोड़ा जागरूकता आ गई है, हमने सबको जगाया है कि भाई राजनीति में भी हम लोग हिस्सेदारी चाहिए जी। माने बिजनेस अपना जगह पर है, व्यापार अपना जगह पर है, और हिस्सेदारी के साथ साथ हम लोग ये नहीं कि हम लोग सिर्फ कमलापुरी वैश्य समाज पर ही आश्रित है, हम सभी समाज को लेकर चलते हैं जी। हर वर्ग में हम लोग, मेरा पहचान है, हर वर्ग में मेरा पकड़ है और हर वर्ग को लोग को मैं सम्मान देता हूँ। ये नहीं कि हम कमलापुरी वैश्य तो मेरा एक आधार है ताकि मुझे सम्मान मिले, तो ये आधार है जहाँ पे आप खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। चलिए, तो सीधे तौर पे हमें ये सर बताइए, जैसे शिवहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें और बिहार में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दावा ठोक रहे हैं, आप सीधे तौर पे शपथ दिला रहे हैं सभी लोगों को कि जो भी दल है कमलापुरी वैश्य समाज को सम्मान देगा, यानी कि टिकट देगा, सम्मान मतलब टिकट आपने कर दिया, टिकट देगा उसी को हम लोग जो है अपना समर्थन देंगे, सब कुछ देंगे, तो ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा एक राजनीतिक खलबली मच जाएगी? राजनीति खलबली तो मचेगी, इसलिए पूरे बिहार में मेरा 12,00,000 की संख्या है जी। अगर पार्टी शिवहर मेरा 60,000 संख्या है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शिवहर में ही मेरी जाती है जी। अगर यहाँ से अगर टिकट दे देती है पार्टी
तो यहाँ तो जीत सुनिश्चित है मेरा जी, और जीत सुनिश्चित है तो पार्टी में खलबली मचेगी जी, और पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा कि भाई इस जाति को भी टिकट देते हैं तो मेरा जो बिहार में 12 लाख जो इनके संख्या है, अगर इनको टिकट देते तो मेरा 12 लाख के वोट मेरे पार्टी के समर्थन में आ जाएगा। चलिए, बहुत सारे पार्टी हैं जो हमारे चैनल को अक्सर देखते रहते हैं, तो हम सीधे तौर पर आपसे जानना चाहते हैं, आपका एक जो पार्टी के लिए जो इंटरव्यू होता है यही हम आपका कर देते हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता सर कितनी? मेरी शैक्षणिक योग्यता BA है। BA आपने हाँ, किया हुआ है। राजनीतिक जो बात करें, जैसे राजनीति में जो नए लोग होते हैं उस पर जो कोई भी दल जो है बहुत कम भरोसा करता है, राजनीतिक आपकी यात्रा कब शुरू हुई? राजनीति यात्रा हम तो 1998 से ही है राजनीति यात्रा में जी। लेकिन सक्रिय 5 साल से पूर्ण रूप से। सक्रिय पूर्ण रूप से 5 साल। कोरोना काल वगैरह में बाहर निकले थे सर? कोरोना काल में तो बोलते रहे कि सैनिटाइजर मास्क, मैंने 15,000 मास्क और 1500 सैनिटाइजर पूरे जिले में बांटे हैं सीवर जिला में हम जी। और राशन पानी भी दिया, और जो भी मजदूर बाहर जो फंसे हुए थे जी, उनको मैंने मुख्यमंत्री का लिंक दिया और 1,000 रुपया सभी लोग लिया, और सभी लोग ने हमको धन्यवाद दिया कि आपके द्वारा हमको लिंक मिला और हमने 1,000 रुपये हम पा लिए। और दूसरी बात कि जो भी मजदूर थोड़ा मजबूर होते भी थे ना कि हम अभी मुझे बहुत ज़रूरत है, हमको भूखे मर रहे हैं, तो उनका अकाउंट नंबर में हम कुछ पैसा भी भेजते थे। तो एक और जो बात है, जैसे सर हम लोग की टीम जब शिवहर आ रही थी, आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रही थी, तो सड़क की स्थिति जो है बेहद दयनीय स्थिति में थी, तो इतना साल तो विकास हुआ है सर, उसके बावजूद आपका जो क्षेत्र है ये क्यों पीछे पड़ गया? क्षेत्र पीछे नहीं पड़ा, सब का काम चालू है अभी जी। आपको सीतामढ़ी वाला भी रोड चालू है, मुजफ्फरपुर रोड चालू है, सभी रोड बन रहे हैं, और हम समझते हैं 6 महीने के अंदर में टोटल काम हो जाना चाहिए। यह थोड़ा कमजोरी है, लेकिन यह इस कमजोरी को दूर किया जा रहा है, हम इस पर सक्रिय हैं। और इस पर भी सक्रिय हैं? हाँ, इसमें सक्रिय हम बोलते हैं हमेशा, मैडम सभी जो भी यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि उनको हम हमेशा याद दिलाते रहते हैं, भाई मेरा जो भी सड़क जो भी है, गांव के सड़क हो, मुजफ्फरपुर की सड़क हो, वह सब मरम्मत होना चाहिए और पक्की सड़क बनना चाहिए। यानी कि राजनीति में किसी पद पर नहीं रहने के बावजूद आप सक्रिय हैं, राजनीति में सक्रिय। चलिए, सीधा एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे, आपने राजनीति की बात की, आपने पार्टियों की बात की कि पार्टी से आपको सम्मान चाहिए, आपके वर्ग को सम्मान चाहिए, आपकी जाति को सम्मान चाहिए। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता शिवहर विधानसभा क्षेत्र से कोई भी जो दल है आपके वर्ग को जो है सम्मान नहीं देती है, यानी कि टिकट नहीं देती है, तो क्या क्या मूड में रहेंगे आप लोग? इस बार तो हम लोग ये विचार किए, अगर कोई पार्टी अगर सम्मान नहीं देती है तो हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। नोटा का बटन। निर्दलीय लड़ने का विचार? नहीं, नोटा का बटन दबाएंगे, नहीं नोटा का बटन दबाएंगे, ताकि सरकार को पता चले, तब ना अगले बार हम लोग को पूछेगा कि भाई इतना नोटा आया है, कमलापुरी वैश्य समाज का है, ताकि अगला बार उनको लगे कि नहीं, समाज को भी पूछना जरूरी है। तो अगर बिहार की बात करें तो यहाँ जितने भी जातिगत राजनीति तो पहले से चलते आ रही है, ऐसे में जो समाज जो है, चाहे अभी जैसे ये कमलापुरी वैश्य समाज की बात कर रहे थे जिससे ये आते हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पे जितना भी जो बिहार के भीतर का जो जातिगत स्थिति है, सभी जो जितने भी वर्ग हैं सभी अब सक्रिय हो गए हैं, सभी को राजनीतिक भागीदारी चाहिए। आपने देखा होगा भारत लाइव के ही चैनल पर बहुत सारे ऐसे जातिगत बातें जो है सामने आ रही है, सभी को अपना अपना राजनीतिक भागीदारी चाहिए। ऐसे में शिवहर विधानसभा क्षेत्र में कमलापुरी वैश्य समाज की बात करें तो 60,000 के करीब इनका संख्या है, और यहाँ जो है बिहार विधानसभा चुनाव में, और यहाँ की जो बात करें MLA बनाने में, जो चुनकर लाने में, उनको बिहार विधानसभा भवन तक पहुँचाने में इन जाति वर्ग का जो है बहुत बड़ा एक योगदान होता है। तो ऐसे में ये समाज भी जो है अब दुकानदारी से हट करके थोड़ा सा विकसित होते हुए राजनीतिक भागीदारी के लिए मांग कर रहे हैं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस बार अगर किस कोई भी जो दल है बिहार के राजनीति के भीतर, कोई भी दल अगर इनको सम्मान नहीं देता है, यानी कि टिकट नहीं देता है, तो अब जो है ये लोग विरोध में रहेंगे, और इस बार जो है EVM में वो नोटा का बटन दबाएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है, बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।